हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टीच टू ईच। मेरा नाम आशीष रावत है और मैं आज आपको एक्सेल की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि जिससे आपका जो डेटा है पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। तो फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट फाइल खोली है और अचानक आपको कॉल आता है, आपको जाना पड़ता है। इसी बीच अगर आपका कोई ऑफिस का कलीग उस शीट को देखता है या चेंज करने की कोशिश करता है और अगर वो ना कर पाए तो कैसा रहेगा? यार मुझे तो बड़ा मजा आ जाएगा कि मेरा जो फाइल है वो पूरी तरीके से सिक्योर है। आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है कि हाउ टू प्रोटेक्ट एक्सेल शीट। ओके, कैसे हम एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट करते हैं या अनप्रोटेक्ट भी करते हैं, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो आज हम अपने एग्जाम्पल से जानेंगे ये कैसे होता है। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक में हमारे डेटा के कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, इसलिए मैंने नॉर्मल एक छोटा सा डेटा रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा एक डेटा है जहां पे कुछ एम्प्लॉयज के नाम है, उनका एरिया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। अगर हमको पूरी शीट को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए किसी भी सेल पे हमें रख सकते हैं, हमको एक पर्टिकुलर सेल पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद आप कहीं पे सेल रखेंगे और उसके बाद रिव्यू टैब पे जाएंगे, ठीक है। इस रिव्यू टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन दिखेगा, आप इसको क्लिक करें, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये पॉपअप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पासवर्ड टाइप कर देंगे जिससे कि हमारी शीट प्रोटेक्ट हो जाए, और मैं यहाँ पे ABCD दे देता हूँ, ठीक है। इसको ओके करूंगा। तो ध्यान दीजिए कि आपको जो पासवर्ड है दो बार टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से ABCD टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि री एंटर पासवर्ड, ओके। तो ये पासवर्ड मैंने दे दिया है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम ओके कर देंगे। जहां पे प्रोटेक्ट शीट लिखा रहा था वहां पे अनप्रोटेक्ट शीट लिखा आ गया है। तो अब जो हमारी शीट है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ और या फिर कोई और शीट देखता है और चेंज करना चाहता है, तो देखिए क्या होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ रही है, द सेल इज प्रोटेक्ट एंड ओनली फॉर रीड, ओके। इट मीन जो ये शीट है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है, इसको आप रीड कर सकते हैं मगर चेंज नहीं कर सकते। तो इससे जो आपका डेटा है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो चुका है। अपना जो पासवर्ड है वो दो बार टाइप करना है इसमें, ये आप याद रखें, और किसी भी सेल पे आप चेंज करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये तो हो गया प्रोटेक्ट करना, ओके। अब अगर मुझे किसी शीट को अनप्रोटेक्ट करना है, मान लीजिए कि ये फाइल अब मेरे काम की नहीं है और यार ये जो डेटा है वो पुराना हो चुका है, तो अब मैं चाहता हूँ इसको अनप्रोटेक्ट कर दूं, इसका पासवर्ड हटा दूं, तो वो क्या प्रोसेसर फॉलो करना पड़ेगा? देखिए वही प्रोसेसर फॉलो करना है जो हमने प्रोटेक्ट करते वक्त करा था। तो देखिए आप किसी भी सेल पे जाइए और रिव्यू टैब पे जाइए, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक पासवर्ड मांग रहा है। तो देखिए ये पासवर्ड वही है जो हमने प्रोटेक्ट करते हुए दिया था। मैं यहाँ पे ABCD डाल दूंगा और इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए पासवर्ड को टाइप करके और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट प्रोटेक्ट शीट लिखा आ गया है। तो अब जो हमारी शीट है वो अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो देखिए, अब मैं यहाँ पे नोएडा की जगह गुड़गांव टाइप करता हूँ, तो ये देखिए इजीली चेंज हो चुका है। इट मीन्स जो हमारी शीट है वो अनप्रोटेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए हमारा टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो। और मेरी वीडियो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।